नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महत्तम के 19वें दिन की कथा के रूप में 19वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ। इसके पहले के 18 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा के रूप में 19वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के एक नाम माधव के नाम पर इस मास का नाम माधव मास पड़ा। वैशाख मास महात्म्य को 25 अध्यायों में बांटा गया है। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ बताऊंगी, पर मैं 19वें अध्याय का पाठ शुरू करूं उसके पहले मैं आपको स्नान करते समय बोला जाने वाला मंत्र बता रही हूँ। स्वस्थ रहने के लिए हर दिन नहाना जरूरी है। नौकरी या व्यापार पर जाने से पहले पूजा करना शुभ होता है। पूजा करने से पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना और उससे पहले स्नान करना जरूरी होता है। पुराने समय में लोग पवित्र नदी के पास निवास करते थे, ताकि सुबह नदी में स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित कर सके। इससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने के साथ साथ पापों से भी मुक्ति मिलती थी। लेकिन अब हर दिन नदी में नहाना हर किसी के लिए संभव भी नहीं है और अधिकतर शहर और गांव नदी किनारे बसे हुए भी नहीं है। तो इसका उपाय यह है कि आप नहाते समय मन ही मन मंत्र जपते हुए पवित्र नदियों का आह्वान करें, जिससे आपको भी पवित्र नदी में नहाने का पुण्य मिलेगा और आप पर भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। प्रतिदिन स्नान से पहले बाल्टी में पानी भरें, उसके बाद अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएं। यदि आप शावर से नहाते तो भी नहाने से पहले बाल्टी में थोड़ा पानी लेके ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले उस पानी से नहाएं। त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र हिम या ओम लिख के वो त्रिभुज के बीच वाले स्थान पे लिखें और उसके बाद अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करते हुए मैं जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र का जप करते हुए नहाइए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का मतलब है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरे इस पानी को पवित्र जल बनाइए, ताकि मैं इसमें स्नान करके अपने सभी पापों का नाश कर सकूं। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए और फिर पूरे शरीर पर। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि इस प्रकार नहाने से हमारे सिर की गर्मी शरीर से होते हुए पैरों से बाहर निकल जाती है और शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। शास्त्रों और चिकित्सकों के अनुसार सूर्योदय से पहले या ठीक सूर्योदय के समय स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ और उसके पश्चात नौकरी या व्यापार पर जाना या अन्य कोई कार्य करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके स्नान करें। स्नान करने के पश्चात यदि आप किसी वाइपर या आदि से अपने स्नान घर को साफ कर दें तो स्नान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्नान घर गंदा रहेगा तो आपके ऊपर उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय। इसके पहले 18वें अध्याय में व्याद ने मुनि से कहा कि मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट न हो और अनर्थ कार्य में प्रवृत्त न हो। तब शंख मुनि व्याघ्र से पूछते हैं कि मैं तुम्हें कौन सा धर्म बताऊं। तब व्याघ्र अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने को कहता है कि मेरे किन कार्यों से मैं इस दुष्ट योनि में आया और किन कार्यों से मेरी आपसे संगति हुई। तब शंख मुनि व्याघ्र को पूर्व जन्म की कथा बताते और कहते हैं कि तुम एक वेदपाठी ब्राह्मण थे, परंतु तुम अंत समय में वेश्या का स्मरण करते हुए मरे तो उससे व्याघ्र की योनि मिली और तुमने एक मुनि को वैशाख मास में शरबत पान करने की अपनी पत्नी को आज्ञा दी थी और उनका चरणोदक अपने जल पर छिड़का था, उससे तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अब आगे व्याघ्र बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए, सो हे प्रभु,
वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण और परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब भी मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पे जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूपे संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते हैं। इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत्त राजा को 100 गुना अधिक जानो, इससे तत्वाभिमानी देवताओं का 100 गुणाधिक अधिक जानो। देवताओं से भी सप्तऋषि ज्यादा बड़े हैं। सप्तऋषि से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि और सूर्य से बृहस्पति देवता, बृहस्पति देवता से वायुदेव, वायुदेव से इंद्र और इंद्र से पार्वती जी और पार्वती जी से जगत गुरु महादेव जी और महादेव जी से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं है। यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगह वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याघ्र बोला, वह लक्ष्मी देवादि देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से कैसे परे हैं। तब शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील शौर्य और ओद्रायदि गुणों से युक्त होना चाहिए। भगवान के ऐसा कहने पे सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता तो कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार के निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज हमने आपस में बहुत विचार किया परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। ऐसा सुनकर सभी देवताओं ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया तो सब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रियों में से दक्ष प्रजापति निकल गए तो सब उसे शंड कहने लगे। हाथों में से संपूर्ण देवताओं के स्वामी इंद्र निकले तो हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों में से सूर्यदेव निकले तो सब उसे काना कहने लगे। नाक में से अश्विनी कुमार निकले तो उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तो उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गए तो उसे अरसज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्निदेव निकले तब सब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे परंतु फिर भी वह शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे
खाते पीते सूंघते बोलते चलते रहे, वह प्राणों के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे कि जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे ही प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी नहीं उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही वह शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल ज्ञान धैर्य वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है, अतएव प्राण को ही युवराज बनाए और उनके सम्मानार्थ सामवेद का ज्ञान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगमात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणी के संसार में कुछ वृद्धि नहीं होती न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेवमय व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा महायज्ञ और सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र प्रसन्न हो कहने लगा, हे सर्वेश्वर, प्राण की महिमा कहीं भी विदित नहीं है, न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवाधिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कर्णव नाम के महात्मा समाधि लगाए बैठे हुए थे, वे हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने देखकर क्रोध से उसे शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया, इसलिए हे कर्णव, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और श्राप के कारण कर्णव गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कहा, अब जो कुछ तुझे पूछना है पूछ, कुछ विचार मत कर। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 91 अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही ताकि मेरे नए वीडियोस को देख का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म संस्कृति तीज त्यौहार व्रत कथा रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।